यदि केक स्पंजी, टेस्टी और यमी हो और साथ ही चॉकलेटी फ्लेवर की हो तो क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन शर्मा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नूतन वर्ल्ड एमके में। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और यदि पहुंचे। आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के लिए पार्ले जी से बनने वाली चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत यमी होती है और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पार्ले जी बिस्किट लिया हुआ है जो 10 रुपये में आती है और बड़ी साइज की है और इसे मैंने ले लिया। और साथ ही मैं यहाँ पे आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा कम कर सकते हैं, या मैंने सिर्फ आधा कप लिया हुआ है। और क्या करना है, इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो ये मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया और चीनी को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे मैं अच्छे से अब पीस लूँगी। देखिए, मैंने इसका पाउडर बना लिया। इसमें क्या हुआ कि चीनी भी अच्छे से पिसा गई और साथ ही वो भी बिस्किट भी पिसा गई। अब साथ ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा आधा चम्मच लिया है और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच यहाँ पे लिया है। और अब मैं यहाँ पे 1 कप दूध ले रही हूँ। दूध मैंने यहाँ मलाई वाला लिया हुआ है और दूध रूम टेम्परेचर में ही होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ ताकि इसमें चॉकलेटी फ्लेवर आ सके, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और साथ ही मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस लिया हुआ है, करीब आधा चम्मच आप ले सकते हैं। और इसे मैंने फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से फेंट लिया है। इससे क्या हुआ कि आपको हाथ से मिलाने की अब ज़रूरत नहीं है, ये मिक्सर ग्राइंडर में इतनी अच्छी फेंटा गई है कि ये अपने ही इसमें बबल्स आ गई है ऊपर में, आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया हुआ है और उसमें मैं इसे ग्रीस कर ले रही हूँ तेल से, किसी भी कुकिंग ऑयल को आप ले लीजिए। और साथ ही अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ और उससे उसे पूरी अच्छे तरह से कोट कर दे रही हूँ। और ये जो मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के रखा हुआ था पेस्ट को, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ और उसके ऊपर से हल्का सा ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। आप यहाँ पे चेरी या फिर टूटी फ्रूटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे चारों तरफ फैला दिया है और बस अब रेडी है हमारी ये। अब मैंने यहाँ पे चौड़े मुंह वाले बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन को पहले से ही मैंने प्री हीट कर लिया है करीब 10-15 मिनट के लिए। और ये गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड डाला है और स्टैंड में ही ये मैंने केक टिन को डाल दिया। आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो। आप कोई भी स्टैंड नीचे रख लीजिए और उसके ऊपर केक टिन रख देंगे। और उसके बाद इसे करीब 30 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके लो फ्लेम में मैंने इसे पकाया है। और ये देखिए, मैं अब चेक कर रही हूँ 30 मिनट के बाद। देखिए, अब ये हमारी चम्मच में कुछ भी लगा हुआ नहीं आ रहा, यानी कि ये हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल के इसे ठंडा कर ले रही हूँ। और देखिए, ये ठंडा होने के बाद मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। तो अब ये ठंडा हो चुकी है तो मैंने इसे केक प्लेट में एक मैंने इसे पलट दिया और ये देखिए कितनी फ्लफी बनी है, कितनी खूबसूरत बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही फूली हुई है। मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही स्पंजी बनी है। ये देखिए, ये देखिए, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितनी फ्लफी बनी और है। वो भी सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से ये बनी है और इसमें किसी भी मैंने कुकिंग ऑयल को यूज़ नहीं किया है। और देखिए कितनी फ्लफी बन गई, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है फ्रेंड। आप भी इसे बनाइए, मुझे विश्वास है आप सबों को बहुत पसंद आएगी। देखिए, ये चॉकलेट केक हमारी रेडी है। देखिए कितनी फ्लफी है, कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपना कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। और प्लीज़ फ्रेंड, एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर लें। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।